चौथे दौर की चुनावी लड़ाई के लिए प्रचार का आखिरी दिन और एक्शन में स्टार प्रचारक। तस्वीरें देखिए। यूपी में चौथे चरण की चुनावी लड़ाई के केंद्र लखनऊ और हरदोई में धुआंधार रैलियों और रोड शो हुआ। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों हरदोई में थे। हरदोई की रैली में योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर आतंकी कनेक्शन का आरोप लगाते हुए हमला बोला। मैं आपका जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था और मैंने इसीलिए पहली बार कहा था पिछली बार भी। वो समाजवादी पार्टी का वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। लगता है पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएंगे। मैं हैरान हूँ ये साइकिल अखिलेश पर साइकिल वाले हमले की शुरुआत कल पीएम मोदी ने की थी, जब अहमदाबाद की सीरियल ब्लास्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह को निशाने पर लिया था। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, जो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। उन दोषियों में से एक मोहम्मद सैफ के पिता शाबाद अहमद की अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर के जरिए बीजेपी ने अखिलेश पर चौतरफा हमला बोल दिया है। अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया है, मेरा आरोप है। इनका सीधा संबंध आतंकवादियों को बचाने से है। 26 अप्रैल 2012 को सरकारी आदेश से तारिक कासमी के खिलाफ और खालिद मुजाहिद के खिलाफ अखिलेश ने इनके खिलाफ केस को मुकदमा को वापस लिया। बीजेपी ने आतंकवादी कनेक्शन जोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने इसे देश का अपमान बता दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। चौथे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के आतंकवादी कनेक्शन वाले आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी घेरने में जुटी है तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार कर अपने तेवर बता दिए हैं। आज तक ब्यूरो।